everyone and welcome back with another new video. So guys, in this video, आपको आज देखने के लिए मिलेगा एक modified Maruti 800 गाड़ी है, वो नागालैंड से है. So guys, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देना. और गाइज, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो भाई इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, क्योंकि जितना भी पोस्ट वगैरह जो भी आता मैं इंस्टाग्राम में सबसे पहले डालता हूँ. So guys, चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो. सबसे पहले मैं बात करता हूँ गाड़ी का जो एक्सटीरियर लुक है, एक्सटीरियर के बारे में मैं बात करता हूँ. तो गाइस, सबसे पहले आप जैसे कि आप देख सकते हो फ्रंट साइड में वो कस्टम फॉग लाइट्स लगा हुआ है जो कि एलईडी में है, एलईडी फॉग लाइट. हालांकि मारुति 800 में फॉग लाइट्स नहीं होते, तो इस पे जो है फॉग लाइट इंस्टॉल किया है, एलईडी फॉग लाइट्स. फिर बात करता हूँ दोस्तों अगर बम्पर के बारे में, तो बम्पर को आप देख सकते हो थोड़ा बहुत जो है इसको कलर करके रखा है, नहीं तो भाई जो मारुति 800 का बम्पर है वो इतना शाइन नहीं करता है. तो ये बम्पर को कलर किया गया है इसलिए इसका जो शाइन है वो ज्यादा आ रहा है. एलईडी लाइट लगा हुआ है, तो मैं आपको एक नाइट व्यू से मैं आपको दिखाना चाहूंगा. तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हेडलाइट है, हेडलाइट के नीचे में आपको डीआरएल लगा हुआ नजर आएगा. फिर गाइज, बात करते हैं हेडलाइट के बारे में. तो हेडलाइट जो है उस पे एलईडी बल्ब से रिप्लेस किया गया, जो हेलोजन बल्ब होते हैं नॉर्मल बल्ब, उसको एलईडी से रिप्लेस किया गया है. तो बात कर रहे हैं सिर्फ एक्सटीरियर के बारे में, तो मैं आपको साइड प्रोफाइल से भी गाड़ी दिखा देता हूँ. तो साइड प्रोफाइल से देखने से आपको मालूम हो जाएगा कि गाड़ी का जो व्हील है उसको आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा, क्योंकि जो टायर का साइज है वो मैक्सिमम में अपग्रेड किया गया है, जो कि 165/60 R12 साइज में ये मैक्सिमम साइज आता है. टायर का जो कंपनी है योकोहामा का लगाया गया है, योकोहामा का टायर आता है, और फिर आपका ब्रिजस्टोन पोटेंजा का आता है. मेरे हिसाब से तो दो ही कंपनी के टायर्स आते हैं 12 इंच में, बाकी मुझे पता नहीं है. तो भाई ये योकोहामा यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है 12 इंच का. रिम के बारे में अगर आप बात करते हो तो भाई ये कोई कस्टम रिम नहीं है, कोई भी मतलब खरीदा हुआ या फिर खुद से बनाया हुआ रिम नहीं है, यह स्टॉक रिम है. उसको सिर्फ गाड़ी के कलर के हिसाब से मैच करने के लिए जो है सिल्वर और ब्लैक कलर में उसको पेंट किया गया है, जिससे कि गाड़ी का लुक जो है मुझे तो भाई अच्छा लग रहा है. आप लोग कमेंट करके बताना कि गाड़ी का जो व्हील है वो आपको कैसा लगा. सो गाइस, कमेंट करके आप जरूर बता देना, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा. गाइज, अभी चलते हैं साइड प्रोफाइल में ऊपर की तरफ. तो भाई आपको जो बी पिलर है, वो बी पिलर आपको ब्लैक पेपर से रैप किया हुआ आपको दिखेगा. वो पेपर रैप ही किया हुआ है, वो कलर नहीं है. तो मैट पेपर से उसको रैप किया गया है. बाकी रेन गार्ड्स वगैरह भाई वो तो सभी लगाते हैं. सो गाइज, इस गाड़ी का जो विंडो है वो भी टिंटेड है, आप देख सकते हो ब्लैक पेपर से टिंटेड है. भाई कितना परसेंट ब्लैक किया गया है वो मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली. अगर आप देखते हो टेल लाइट्स को, तो टेल लाइट में आपको जो है उसका कलर थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि मारुति 800 का जो टेल लाइट होता है वो रेड एंड व्हाइट में आता है, लेकिन इस पे जो है आपको फुल डार्क रेड दिखाई देगा. तो गाइस, तो डार्क रेड पेपर से रैप किया गया है, जिसके वजह से टेल लाइट का जो लुक है, और रियर से अगर आप देखते हो गाड़ी को तो उसका जो लुक है वो अलग ही लुक
निकल के आता है। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं इंटीरियर में, तो इंटीरियर में मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो सीट कवर्स है ये बेज कलर में है, और जो भी गाड़ी का जो कंडीशन है वो बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में रखा है। आप देख सकते हो कहीं पे भी आपको कुछ भी गंदगी नहीं दिखेगी, कुछ भी धूल मिट्टी कुछ भी नहीं लगा हुआ है। मतलब इतना साफ रखना तो भाई मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन भाई ने जो है गाड़ी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा है और आप देख सकते हो, आपको देखने से पता चलेगा। फिर बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम के बारे में, तो गाइज आपको यहाँ पे दिखेगा सोनी का जो है आपको स्टीरियो दिखेगा, उसके साथ साथ ही आपको फुल जो स्पीकर सिस्टम है वो भी स्पीकर्स आपको सोनी के ही मिलेंगे। सो गाइज ये जो हो गई अभी दिन का जो इंटीरियर है वो, अभी रात का टाइम का जो इंटीरियर है नाइट व्यू जो है वो अलग है। सो गाइज आप लोग देख रहे हैं रात का जो अभी व्यू है गाड़ी का इंटीरियर साइड में वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि जितने भी लाइटिंग का काम किया गया है गाड़ी में वो बहुत ही अच्छी लग रही है, और नाइट राइड वगैरह में तो ये आपको बहुत ही अच्छी फील देने वाली है। सो गाइज मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ा थम्स अप है गाड़ी के लिए, जितना भी काम किया है बहुत ही सिंपल तरीके से अपने पसंद के हिसाब से बनाया है, तो भाई मुझे ये बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग को कैसा लगा। अब मैं आपको और एक चीज दिखा देना चाहता हूँ, जो रियर साइड से अगर आप नाइट पे अगर आप देखते हो तो इस गाड़ी का जो ट्रंक में आपको LED लगा हुआ नजर आएगा, जो कि पार्किंग के टाइम में अलग कलर होता है। आप ब्रेक लाइट ब्रेक प्रेस करते हो तो उस पे आपको अलग कलर देखने के लिए मिलता है। अगर आप इंडिकेटर्स देते हो तो आपको फ्लोटिंग इंडिकेटर्स मिलता है। आप जिस भी साइड आप इंडिकेटर दे रहे हो उस साइड में लाइट जो है वो फ्लो होगा। तो गाइज ये थोड़ा बहुत जो मॉडिफिकेशन है ये करके रखा है। बात करते हैं इंजन के बारे में, तो भाई इंजन में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये FI वेरिएंट है, 2006 मॉडल है। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जो बाहर से आपको दिख रहा होगा ये जो एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर को चेंज किया गया है और उसपे कैनन का एयर फिल्टर लगाया गया है। केविन जो नागालैंड से है उसको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, और उसका जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी मैं नीचे लगाने वाला हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो अगर आप उनसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो आप इजीली बात कर सकते हो। मेरे पास जितना भी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। तो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और गाइज और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ, गाइज चैनल के साथ जुड़े रहिए। और भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप 800 पसंद करते हो तो भाई आपका बहुत बुरा लॉस होने वाला है। सो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और गाइस इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो भाई इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे ब्लॉग के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।